नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इससे पहले चैप्टर में हमने आपको 15 ऐसी अद्भुत जगहों के बारे में बताया था जिसे आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और अब हमारे इस चैप्टर में आप आज 15 और भारत की ऐसी अद्भुत इलाकों के बारे में जान सकेंगे जिनके बारे में कई लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शाश्वत ज्योति ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा। देवी से आशीर्वाद पाने के लिए साल भर लोग कांगड़ा के ज्वालाजी मंदिर में आते हैं। मंदिर के ठीक बीच में एक खोखले पत्थर में एक लौ है जो कि सैकड़ों वर्षों से जल रही है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने तब दुख में अपने आप को भस्म कर लिया था जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया था। कहते हैं कि जली हुई लाश को लेकर शिव ने तांडव किया था और उनके ऐसा करने के दौरान सती का शरीर 51 हिस्सों में बंटकर पृथ्वी पर गिर गया था। इनमें से प्रत्येक स्थान हिंदुओं के लिए एक तीर्थ बन गया है। कांगड़ा की ज्वाला जी को सती के जीव के तौर पर माना जाता है। संघा तेंजिंग की प्राकृतिक ममी गुएगांव स्पीति। अगर आप सोचते हैं कि ममीज केवल मिस्र में ही पाई जाती हैं तो आप गलत हैं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले के गुएगांव में तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु संघा तेंजिंग की ममी रखी हुई है जो कि 500 वर्ष पुरानी है। ये ममी बैठी हुई अवस्था में है और इसकी त्वचा और बाल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस ममी का पता 1975 में एक भूकंप के बाद लगा था और तब से इसे गुए के मंदिर में दर्शनार्थ रखा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा चाय बागान मुलुकुमलाई तमिलनाडु। मन्नार से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित मुलुकुमलाई चाय बागान समुद्र तल की ऊंचाई से 8000 फीट ऊंचाई पर है। ये तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाला सबसे ऊंचा है। यहाँ ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन ज्यादा सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य या यहाँ पर पैदा होने वाली सुगंधित चाय। बुलेट बाबा का मंदिर राजस्थान। अगर दुनिया में ऐसा कोई स्थान है जहां आप एक मोटरसाइकिल को शराब की बोतलें और फूलों को चढ़ाए जाने का रिवाज देखते हैं तो ये भारत में ही संभव होता है। पाली जिले के चोटीला गांव निवासी ओम सिंह राठौर की उस समय मौत हो गई थी जब वो नशे की हालत में मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनका वाहन एक पेड़ से जा टकराया था। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और इसे थाने ले आई, लेकिन अगले दिन बाइक फिर से दुर्घटना स्थल पर ही पाई गई। पुलिसकर्मी फिर से इसे थाने ले आए, इसका फ्यूल टैंक खाली कर दिया और उसे चेन से बांध दिया, लेकिन अगले दिन फिर बाइक वही घटनास्थल पर मौजूद थी। इसके बाद मोटरसाइकिल को स्थायी रूप से उस स्थान पर रख दिया गया और इस स्थान को ओम बाबा या बुलेट बाबा का नाम दे दिया गया है। यहाँ एक मंदिर भी बना दिया गया है। समझा जाता है कि ओम बाबा की आत्मा यात्रियों की रक्षा करती है। विश्व की सबसे बड़ी विशालकाय प्रतिमा गुमटकेश्वर प्रतिमा। गुमटकेश्वर या बाहुबली की श्रवण बेल गोला में 60 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये ग्रेनाइट की एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये प्रतिमा इतनी बड़ी है कि यहाँ 30 किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार गुमटकेश्वर एक जैन संत थे और उन्होंने अपने जीवन काल के आधे समय में ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा ली थी। प्रतिमा को सबसे पहले गंग राजवंश के एक मंत्री चामुंडा राय ने 978 और 994 सदी के बीच से बनवाया था। ताज की आधी प्राकृतिक बीबी का मकबरा औरंगाबाद। 17वीं सदी के अंत में छोटा ताज अपनी मूल प्रेरणा की तुलना में 30 से भी कम वर्षों में बन गया था। इसे अक्सर ही गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य औरंगजेब ने शुरू कराया था और उसे उसके बेटे ने आजम शाह जिसका नाम था उसने पूरा करवाया। ये सम्राट की पहली पत्नी और आजम की मां की याद में बनवाया गया था। हालांकि आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल की तुलना में हल्का पड़ता है, लेकिन बीबी का मकबरा अपनी आकर्षक सादगी के लिए विख्यात है। लिविंग रूट्स ब्रिज चेरापुंजी मेघालय। मेघालय के चेरापुंजी में आदमी ने प्रकृति को अपना मित्र बना लिया है और इसकी मदद से अपने लिए नए रास्ते भी बना लिए हैं। दुनिया में लोग पुल बनाते हैं, लेकिन मेघालय में लोग पुल उगाते हैं। फिक्स इलेक्सा या रबर ट्री अपने तनों से मजबूत सेकेंडरी जड़ें पैदा करता है। यहाँ इन जड़ों को एक विशेष तरीके से बेटल नट ट्रंक्स यानी कि सुपारी के पेड़ की जड़ों की मदद से ऐसे पुल बनाए हैं जो कि मजबूत हैं और दशकों तक चलते हैं।
इनमें से कुछ पुल 100 फीट से अधिक लंबे हैं। उमशियांग का डबल टेकर पुल समूची दुनिया में अपनी किस्म का अकेला पुल है। कुछ पुराने रूट पुल तो 500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। दुनिया का सबसे चौड़ा बरगद बोटानिकल गार्डन हावड़ा। कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद बोस बोटानिकल गार्डन हावड़ा में प्रकृति का सजीव और ताकतवर गौरव का एक और उदाहरण खड़ा करता है। यहाँ 1250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है, जिसका दायरा 4 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ माना जाता है। इस पर बिजली गिरने के बाद ये पेड़ बीमार हो गया था और 1925 में इसके तने को हटाया गया। ये आज भी अपने मुख्य तने के बिना सजीव है और इसकी 3,300 हवाई जड़ें जमीन में प्रवेश कर गई हैं। यह अकेला पेड़ ही एक जंगल की तरह प्रतीत होता है। दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील लोकतात झील मणिपुर। भारत के उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जिसे लोकतात झील कहा जाता है। इसके तैरते हुए द्वीपों की श्रृंखला के कारण इसे विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कहा गया है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। इससे पन बिजली बनती है, सिंचाई होती है, पीने योग्य पानी की आपूर्ति होती है और स्थानीय मछुआरों को आजीविका भी मिलती है। कुत्ते का मंदिर चन्नापाटना कर्नाटक। रामनगर जिले के चन्नापाटना में एक समुदाय है, जिसने श्वान के सम्मान में एक असामान्य मंदिर बनवाया है। श्वान देवता का आशीर्वाद पाने के लिए यहां लोग पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्ते को स्वामी भक्त और अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है, लेकिन समय समय पर वो दुर्जय भी साबित होते हैं। कहा जाता है कि श्वान देवता गांव के देवता के साथ मिलकर अपने काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण रोधी महल बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। वास्तुकला का ये नायाब नमूना 18वीं सदी में बनवाया गया था और इसे अवध के नवाब आसफ और दौला ने बनवाया था। उन्होंने इसमें यूरोपीय और अरबी वास्तुकला का मिश्रण है। इसका मध्य में बना मेहराबादार हॉल 50 मीटर लंबा और करीब 3 मंजिल तक ऊंचा है और बिना किसी बीम या खंबे की मदद से खड़ा रहता है। इसके मुख्य द्वार को भूलभुलैया के लिए जाना जाता है, जो कि 1000 से ज्यादा सीढ़ियों का रास्ता है। इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स में हरे भरे बगीचे और एक दर्शनीय मस्जिद और एक बावली भी है। तैरते पत्थर रामेश्वरम तमिलनाडु। पम्बन द्वीप पर स्थित और पम्बन नहर के द्वारा भारत के मुख्य पर्वतीय भाग से विभाजित रामेश्वरम का छोटा कस्बे का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। समझा जाता है कि राम जी ने सीता जी को श्रीलंका से छुड़ाने के लिए लंका तक एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था, उन पर राम का नाम लिखा था और ये पत्थर पानी में कभी नहीं डूबे। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि आज भी रामेश्वरम के आसपास ऐसे तैरने वाले पत्थर मिल जाते हैं। लाल बारिश इडुकी केरल। अपनी आकर्षक और स्वादिष्ट समुद्री तटीय कड़ी के अलावा इडुकी को एक विचित्र तथ्य के लिए भी जाना जाता है। इसे रेड रेन या लाल बारिश कहा जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1818 में सबसे पहले लाल बारिश की घटना को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इडुकी में समय समय पर इस घटना को देखा गया। इडुकी को एक लाल क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में लाल बारिश को देवता का कोप कहा गया है और देवता अपराधियों को दंड दे रहे हैं। इसका अर्थ मौत और बर्बादी भी समझा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि निर्देशों की हत्या के कारण लाल बारिश होती है, लेकिन इस मामले पर वैज्ञानिकों ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं रखा। ग्रामीण ओलंपिक्स किला रायपुर लुधियाना। प्रति वर्ष की फरवरी में लुधियाना के किला रायपुर गांव में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसानों की शौकिया खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। यह आयोजन किले में और इसके आसपास होता है। ये ग्रामीण ओलंपिक्स एक परोपकारी सज्जन इंदर सिंह ग्रेवाल के दिमाग की उपज था। उन्होंने इसके लिए एक आयोजन किया, जो कि वर्ष 1933 में विचार किया गया था। इन प्रतियोगिताओं के दौरान बैलों की दौड़, टेंट पेगिंग, गतका, ऊंटों, खच्चरों और कुत्तों की दौड़ होती है। इस अवसर पर पंजाबी लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये खेल अपने आप में एक वास्तव में आनंदित करने वाला अनुभव होता है। वीजा देवता का मंदिर बालाजी मंदिर चिलकुर हैदराबाद। कुछ देवता आपको समृद्धि देते हैं, कुछ रक्षा करते हैं, लेकिन चिलकुर में बालाजी मंदिर के देवता आपको अमेरिका का वीजा दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मंदिर हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे वीजा बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है।
डॉलरों का सपना देखने वाले बहुत से लोग जो कि किसी भी धर्म और जाति के हो सकते हैं अपने वीजा इंटरव्यू से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहां आने वाले लोगों को अगर वीजा मिल जाता है तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होती है और मंदिर के अंदर के हिस्से की 108 बार परिक्रमा करनी पड़ती है। आप भले ही इस बात पर हंस सकते हैं लेकिन ये पुरानी दुनिया में नई मान्यताओं का एक प्रशासनिक उदाहरण है। भारत में बहुत सारी अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें देखने के लिए शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, इसलिए संभव है कि इसी कारण से हम भारतीय पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं ताकि पिछले जन्मों के अधूरे कामों को पूरा किया जा सके। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।